प्रियंका जरा जवाब दीजिए, परिवारवाद का एक बार फिर आरोप लग रहा है और साथ ही क्यों वायनाड के साथ ये धोखा किया गया? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए उत्तर प्रदेश में, 33 सीटों पर सिमट गए, उसका एनालिसिस इनको करना चाहिए, वो करते नहीं है। इनकी नफरत की राजनीति वहां हार गई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की मेहनत रंग लाई। आपको पता है कि जो रायबरेली है वहां 3,90,000 वोटों से आदरणीय राहुल गांधी जी ने जीत दर्ज की है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो बनारस की सीट है वहां पर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख से जीत हासिल की। तो अंतर साफ नजर आ जाता है। और मैं इनको एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को अपनी गोद, जिस कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश ने गोद ले रखा था, गोद से अपनी उतार दिया है और हकीकत इन्हें समझ नहीं आ रही, जनता के मुद्दे इस बार जीते हैं। और मैं एक बार फिर कहूंगी कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार जो संघर्ष किया, लगातार जो आवाज उठाई, चाहे वो गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान हो, उसका ये नतीजा है कि आज लोगों को प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन, सब पर विश्वास हो चला। उन्होंने इस बात पे मोहर लगाई कि जनता के मुद्दे इस बार हावी हुए। तो ये विश्वास, प्रियंका जी, विश्वास, ये ही विश्वास क्यों नतीजों के बाद ही आया? क्यों नतीजों से पहले आपने नहीं, भाई खबरें तो तब भी उड़ी ना कि अमेठी और रायबरेली प्रियंका और राहुल इन्हीं में से, इन दो सीटों में से लड़ सकते हैं, वो विश्वास पार्टी पहले क्यों नहीं जता पाई? हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आपको विश्वास था और पार्टी ने विश्वास के साथ ही लगातार जो मेहनत की उसी का नतीजा है कि हम दोनों सीटों पर आप देखिए कि किस तरह से बहुमत से जीते। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि उनकी लोकप्रियता कहीं कम नहीं है, चाहे उत्तर से लेके दक्षिण हो, पूर्व से लेके पश्चिम हो। जिस तरह से उन्होंने यात्रा की देश में 10,000 किलोमीटर की, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर हो, चाहे आप देखिए कि जो है मणिपुर से महाराष्ट्र हो। तो हकीकत यह है कि आज उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, पूरा देश उन्हें अपनी आवाज समझता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हो। हकीकत यह है कि इस बार प्रियंका गांधी जी जो है केरल की सीट से भी, आप देखिएगा जो वायनाड है वहां से बहुमत के आंकड़े से जीत कर भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद कर देंगी। और भारतीय जनता पार्टी को किस बात का गर्व है? उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा किस तरह से उनकी हार जो है वो वाकई में शर्मनाक है, उनको रिव्यू करना चाहिए। उनके अहंकार की वजह से अमेठी तक हार गए, आप बताइए कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार गए। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अयोध्या की हार उनको कुछ सिखाती है? अयोध्या की हार से उन्होंने कुछ सीखा? अपना अहंकार आज भी नहीं छोड़ पाए, चाहे वो उनके प्रवक्ता हो, चाहे उनके नेता हो। और मुझे लगता है कि अहंकार ही उनकी जो है, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं दिया प्रियंका जी, क्यों नतीजों से पहले ये फैसला नहीं लिया गया, क्यों पहले ही चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा गया प्रियंका को? जी ये रणनीति है और रणनीति टीवी चैनलों पर नहीं बताई जाती। आप देखिएगा कि इस बार इलेक्शन होगा वायनाड में और फिर से एक बहुमत के साथ जीतेंगे। बोले राधिका, हम आपको अभी नहीं बता देंगे ना। देखिए दो तीन चीजें हैं, इन्होंने तीन चीजें बोली कि पूरे देश की यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, बिल्कुल करी। जब मणिपुर से गुजरात गए तो कोई अलग बात है कि वो सिर्फ गाड़ी में यात्रा करी, लेकिन पूरे देश की यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा करी। और कितने प्रदेशों में आपकी अपनी सरकार है? महज 2 प्रदेशों में। तो क्या नतीजा इनकी यात्रा करके गई और देश ने क्या इनको वहां पे पहचाना क्या? लेकिन राधिका ये भी फैक्ट्स है कि संसद से सड़क तक की जो लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी उसका फायदा पार्टी को हुआ है, आपको आपके गढ़ में मात दी है। देखिए हमारा गढ़ तो पूरा देश है और पूरा देश इनको तीसरी बार नकार चुका है। जैसे मैंने कहा 10 साल लगे 50 सीटें बढ़ाने में, 10 साल। यूपी के नतीजे देखिए राधिका जी, यूपी के नतीजे देखिए, बहुमत बिल्कुल आंटी आधी से भी कम सीटें, महाराष्ट्र में लगातार यहां पर सवाल उठ रहे हैं, खींचतान नजर आ रही है पार्टी में, महायुति में। जी बहुत अच्छी बात है। आप अभी भी इंडिया का मैप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां तक है। हम तो केरल में भी सीट जीत के ले आए, वही केरल जिसको राहुल गांधी ने वही केरल जहां से राहुल गांधी जी को इज्जत बचाने का मौका मिला था। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्यों रायबरेली नहीं छोड़ी गई और क्यों ये जो छोड़ा गया है वो वायनाड, क्यों प्रियंका गांधी जी को पहले चुनाव नहीं लड़ाया जाए और एकदम सेफ सीट दी गई। आप वायनाड की पॉपुलेशन उठा के देखिए, वायनाड में 28.6% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 21.34% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। तो देखिए कितनी सेफ सीट, इतनी सेफ सीट चुनी गई प्रियंका गांधी जी के पहले चुनाव के लिए।
क्यों नहीं उनको रायबरेली छोड़िए। लेकिन राधिका आपको तो खुद पता है, आप तो पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं, दक्षिण का साथ हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, इंदिरा गांधी के जमाने से, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो कोई नई बात तो इस बार नहीं है। हाँ, प्रियंका गांधी जरूर अब डेब्यू करने जा रही है। दक्षिण का साथ रहा है इसलिए तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं है, दक्षिण का साथ रहा है इसलिए केरल में कांग्रेस की सरकार नहीं है। राहुल गांधी जी बतौर सांसद चुन के आ गए, फिर देखिए मैं कभी ये लोग सीपीआई के साथ एक प्रदेश में गले मिलके लड़ते, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ तमाशा किया दिल्ली पंजाब में, वहां जाके अलग लड़ते हैं, तो सीपीआई के बोलिए प्रियंका 10 सेकंड दे रही हूं। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप देखिए कि प्रियंका गांधी जी से भी ये लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी पॉपुलेशन देखिए कि कौन वहाँ कितने किस धर्म का है। अरे इनसे ये पूछे कि जो केरल में जिस सीट से जीते हैं वहां पता किया कि जरा कौन कितने धर्म के लोग वहां पर मौजूद है। देखिए धर्म और जाति में बांटने वाले ये लोग नहीं समझेंगे कि इस देश में प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है और क्या होता है इस देश की जनता के मुद्दे। इनके मुद्दे भी तो बड़े अजीब थे, ये चुनाव लड़ रहे थे भैंस के मुद्दे पर, मकान के मुद्दे पर, टोटी के मुद्दे पर, अरे तो इनको वोट कौन देगा? आप बताइए कि आज नीट का पेपर लीक होता है, कहीं शिक्षा मंत्री अपने आप को दोषी पाते? लगातार वो डिफेंड करते रहे, नहीं 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 कोई नीट का पेपर नहीं आउट हुआ है। और हकीकत ये है कि आज नहीं, आखिर माना ना उन्होंने, लास्ट उनका बयान का यही था, गड़बड़ी हुई है, माना उन्होंने। अरे जब साथ से निकल कर आ गए तब माना, तो क्या माना? आप इस्तीफा दीजिए ना, अगर आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में आप बच्चों को एक स्वस्थ एग्जाम भी नहीं दे पा रहे जो नेशनल लेवल का है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके 10 साल के कार्यकाल में 1,117 एक्सीडेंट हो चुके हैं। चलिए ठीक है, वापस मैं मुद्दे पर लौट रही हूँ, ये बाकी बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और उस पर लगातार हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं। इस मुद्दे में छात्रों की जो जो कष्ट है, जो दुख है, वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।